सब लोगों ने फेस तो देख लिया होगा, अभी बोलना कुछ नहीं, आवाज नहीं सुनाएंगे भाई, अभी आवाज भी नहीं सुनाएंगे, कुछ टाइम बात सुनाएंगे जरूर। सुन बताना यार क्या मतलब है यार, कोई पूरे पूरे लोग के अंदर ना मैंग भाई ने बताया ना मजीद भाई ने बताया, किसी ने नहीं बताया भाई क्या है। मैं गैस करता हूँ, मैं नहीं कर सकता भाई जी, देखो ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, सासपी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास चक्राल के बारे में, और आज की वीडियो में खास बात करेंगे होने वाली वाइफ के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पास चक्राल जी ने अपने इंगेजमेंट के ब्लॉग अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसने उनके फैंस से काफ़ी प्यार दिया है, वो इस टाइम ट्रेंडिंग पर भी आ रही है। और पास जी के ब्लॉग में उनकी होने वाली वाइफ का नाम भी दिख रहा है, जो कि है वैशाली। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि वैशाली इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और बहुत से लोगों का ये भी क्लेम करना है कि वैशाली ने ही स्नेहा और इनका डिवोर्स करवाया था। अभी सच्चाई तो पता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनकी वॉइस लीक हुई थी, जिसके कारण ये पता चला था कि ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। और कुछ लोगों का कहना है कि स्नेहा सचदेवा हैं, जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगा रखा है और अपनी पहचान छिपा रही हैं। और जैसे कि ब्लॉग के आगे किस्से में आप देख सकते हैं, पारस ये कहते हैं कि आप लोगों ने अब तक मेरी वाइफ का चेहरा देख ही लिया होगा, और अपनी वाइफ को बोलने से मना करते हैं। हालांकि उन्होंने अपने ब्लॉग पे अभी कहीं भी इसे रिवील नहीं किया है, और शायद वो शादी के बाद उसको रिवील करें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।